Hello students, how are you all? I hope you all are safe at home. This video gives summary of the second lesson on saying please. I feel pride to tell you that one of my students, Shruti, has prepared summary for you. So please listen and enjoy this short video. Thank you, Shruti. Thank you all. Good morning, everyone. Hope you all are fine at your place. Myself, Shruti Sharma from 12th Science. Today we'll be learning about manners and etiquettes through a beautiful chapter on saying please. This is an essay written by Alfred George Gardiner. Once upon a time, there was a lift operator who used to operate a lift in a company. One day, he kicked out his passenger from his lift, and because of this, his company charges him some fine due to his bad behavior with passengers. So exactly what happened? Let's see. The passenger asked him, "I want to go on the top floor." So liftman said very much rudely that first you use please in your sentence, talk with me properly, then only we'll take you to the top floor. Passenger denied. He said, "I will not use please. Take me to the top floor." And due to this, liftman gets angry and he kicked him out from his lift. This whole situation was arised by just not using please. Liftman got punished by his company. If this will happen in our society, then peace will not be maintained anymore. The writer says there are two types of pain. First is physical and second is mental. So, physical pain is not long lasting, but mental pain do last forever. देखो, अगर liftman अपनी frustration नहीं निकालता उस पे passenger पे, then he will थिंक अगेन अबाउट दैट थिंग कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने क्यों नहीं यूज़ किया प्लीज़, उसने मेरे साथ बैड बिहेव किया. सो इट कैन कॉज अ मेंटल स्ट्रेस टू हिम. दैट्स वाई ही पुश्ड हिम आउट एंड रिमूव्ड हिज फ्रस्ट्रेशन ऑन द पैसेंजर. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर एक कंपनी है एंड उसमें बॉस ने अगर अपने एम्प्लॉय को चिल्लाया, एम्प्लॉय के दिमाग में चलता रहेगा कि उसने मेरे साथ बैड बिहेव किया, मेरा मतलब एम्प्लॉय का मूड ऑफ रहेगा, घर जाएगा अपनी वाइफ को चिल्ला देगा, उसकी वाइफ बच्चों पे गुस्सा निकाल देगी, बच्चे अपने फ्रेंड्स पे निकाल देंगे, वो फ्रेंड्स किसी और पे. सो इट इज़ लाइक अ चेन, इट विल गो ऑन. बैड मैनर्स एड डिफिकल्टीज टू आर लाइफ. प्लीज एंड थैंक यू, दिस आर वेरी स्मॉल वर्ड्स, इट मेक्स आर लाइफ सिंपल एंड ईजी. इंग्लिश की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है वर्ड्सवर्थ. जब वो एक पुअर लीच गैदरर से सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते लोगों से या अपने छोटों से. देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है वो मुझे कैसे सिखा रहा है, या वो बड़े हैं वो मुझे कैसे सिखा सकते हैं. कभी भी ईगो नहीं लाना चाहिए. इन दिस क्रूअल वर्ल्ड ओनली बैड बिहेविंग पीपल आर लेफ्ट. राइटर यूज टू थिंक दैट, बट ही वॉज रॉन्ग. एक बार की बात है, राइट पैसे घर पे ही भूल गए थे. बस में चढ़ के वो बैठ गए एंड उन्होंने देखा कि बस कंडक्टर उनके पास आ रहा है. बस कंडक्टर ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, बट राइटर का तो मुंह उतरा हुआ था बिकॉज उसके पैसे घर पे छूट गए थे. फिर भी वो अपनी पॉकेट चेक ही कर रहे थे एंड उन्होंने बस कंडक्टर को सब सच सच बता दिया कि मैं अपने पैसे घर पे भूल गया हूँ. तो बस कंडक्टर ने एक प्यारी सी स्माइल देके उनसे बोला कि कोई बात नहीं, आप मेरे पैसे जब हम फिर कभी मिले तब मुझे लौटा दीजिएगा. तो राइटर ये सुन के बहुत खुश हुए एंड स्टिल ही वॉज चेकिंग हिज पॉकेट दैट कि एक पैसा मिल जाए ताकि मैं अपने बस कंडक्टर को पे कर सकूं. एंड फाइनली उनको मिल गया पैसा एंड उन्होंने बस कंडक्टर को दे दिया. इससे बस कंडक्टर का बिहेवियर पता चला राइटर को एंड इट वॉज सो गुड कि बस कंडक्टर ने इतने कामली एंड हम्बली उनसे उनसे बिहेव किया. ही वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड इवन ही गॉट हिज मनी. उन्होंने अच्छे से बिहेव भी किया बस कंडक्टर ने राइटर के साथ एंड उनको उनका मनी भी मिल गया. इससे बस कंडक्टर की इमेज भी बहुत बढ़ गई थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गई थी राइटर के नज़र में. नेक्स्ट डे वापस वो बस कंडक्टर को मिले एंड बस कंडक्टर जा रहा था, दूसरे पैसेंजर से टिकट ले रहा था. सो उन्होंने बस कंडक्टर ने गलती से राइटर के पैर पे स्टेप कर दिया. राइटर को बहुत तेज़ दर्द हुआ, उनका जो बूट था वो बहुत हैवी था, बहुत
पेन हुआ उनको, तो बस कंडक्टर ने बोला कि आई एम सॉरी, मतलब एक स्माइल के साथ उन्होंने सॉरी बोल दिया। एंड राइटर वॉज सो रिलीव कि मतलब उसको पेन तो हो रहा था बट ही वॉज हैप्पी कि बस कंडक्टर ने उनके साथ अच्छे से बिहेव किया। सो गाइज द मॉरल इज कि हमें कभी भी अच्छा बिहेव करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बिहेव करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ जाता है एंड पॉजिटिव वाइब्स भी स्प्रेड होते हैं। सो एड वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, इट स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स सराउंड अस, दे मेक आर डेज वेरी प्लीजेंट एज वेल एज द पीपल वी कम इन कॉन्टैक्ट विद। वर्ड्स ऑफ कर्टेसी सच एज थैंक यू एंड प्लीज win us friends and make the passage of our life very smooth. Though good manners are an asset to one's life, there are no penalties or legal consequences for bad manners. Thank you.